रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो भाई बहन के प्यार और संबंध को मजबूत करता है। यह पर्व श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसका मतलब होता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। इसकी शुरुआत कब से हुआ, आइए जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से तीन पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने तीन पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बड़ा कर लिया और तीन पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को यह वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास वेश बदल कर गईं और उनके पास जाते ही रोने लगीं। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है। एक कथा यह भी है कि रक्षाबंधन का इतिहास पौराणिक कथाओं में निहित है। भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक प्रसिद्ध कहानी भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी है। महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण घायल हो गए थे तो द्रौपदी ने उनकी कलाई पर पट्टी बांधने के लिए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उनको बांध दिया। उनके भाव से प्रभावित होकर कृष्ण ने जरूरत के समय उनकी रक्षा करने की कसम खाई। इस कहानी को अक्सर भाई बहनों के बीच अटूट बंधन के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है और यह भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डालती है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।